काली मिर्च और शहद ऐसे चीजें हैं जो भारतीय रसोई में मौजूद होती हैं। अगर कड़क चाय बनानी हो या सिर्फ संक्रमण से बचने के लिए काढ़ा बनाना हो, काली मिर्च हर तरीके से उपयोगी है। वहीं शहद में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व सेहत को कई तरीकों से लाभ पहुंचाते हैं। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। अगर लोग काली मिर्च के साथ शहद को मिलाकर सेवन करें तो ऐसा करने से सेहत को कई तरीकों से लाभ मिलता है। जी हां, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शहद और काली मिर्च का मिश्रण सेहत को कैसे लाभ पहुंचा सकता है। साथ ही जानेंगे कि इसकी अधिकता सेहत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं, गले की समस्या के लिए अच्छा है काली मिर्च और शहद। बता दें कि गले में दर्द हो या सर्दी, खांसी हो जाए तो काली मिर्च के साथ शहद का सेवन करना बेहद मददगार है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, शहद के अंदर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं जो न केवल इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं बल्कि ये बलगम खांसी को भी निकालने में मदद करते हैं। वहीं काली मिर्च के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल तत्वों के साथ साथ विटामिन सी, फ्लेवोनॉइड आदि तत्व मौजूद होते हैं जो सर्दी, जुखाम, गले में दर्द, खराश आदि से बचाते हैं। चिंता और डिप्रेशन की समस्या को करे दूर। बता दें कि काली मिर्च के अंदर पिपराइन, यौगिक और एंटी डिप्रेशन गुण पाए जाते हैं। ये व्यक्ति को डिप्रेशन से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं। वहीं अगर काली मिर्च का प्रयोग शहद के साथ किया जाए तो यह तनाव, चिंता, मानसिक समस्या, उलझन आदि को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप काली मिर्च की चाय का सेवन कर सकते हैं या 3 से 4 काली मिर्च को अच्छे से भूनकर उसका पाउडर बनाकर उसमें शहद मिलाएं और सुबह उसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से भी डिप्रेशन और चिंता दूर हो जाएगी। सूजन को करे दूर काली मिर्च और शहद। बता दें कि काली मिर्च के अंदर सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं जो शरीर में आने वाली सूजन को दूर कर सकते हैं। वहीं शहद के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो किसी भी प्रकार की सूजन को दूर कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को अस्थमा होने के कारण सांस की नली में सूजन आ जाती है। वहीं कुछ लोग अर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं जिनके कारण उनके पैरों में दर्द और सूजन आने लगती है। इस समस्या को दूर करने के लिए काली मिर्च और शहद का मिश्रण बेहद उपयोगी है। कब्ज को करे दूर काली मिर्च और शहद। बता दें कि कोरोना काल के चलते जिस प्रकार की जीवन शैली हम जी रहे हैं और जिस प्रकार का आहार हम खाते हैं यानी जंक फूड, तो ऐसे में जंक फूड के कारण हमारे आहार से पौष्टिक तत्व दूर हो जाते हैं और शरीर कई समस्याओं का शिकार हो जाता है। इसमें से एक समस्या है कब्ज। कब्ज के कारण लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। वहीं पेट की अन्य समस्याएं जैसे गैस की समस्या, अपच आदि से लोग भी काफी पीड़ित रहते हैं। बता दें कि इसमें से काली मिर्च और शहद आपके बेहद काम आ सकता है। काली मिर्च के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपको अच्छे बैक्टीरिया को बचाते हैं और पेट से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करते हैं। ऐसे में आप काली मिर्च और शहद के मिश्रण का सेवन पेट की समस्याओं को दूर करने में कर सकते हैं। वजन कम करने में उपयोगी है काली मिर्च और शहद। बता दें कि सुबह उठकर अगर शहद को गर्म पानी के साथ लिया जाए तो यह शरीर से जमा चर्बी को बाहर निकालता है और लोगों को फिट रखने में मदद करता है। वहीं काली मिर्च के माध्यम से भी वजन को कम किया जा सकता है। काली मिर्च के अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो वसा कोशिकाओं को तोड़ता है। ऐसे में अगर आप काली मिर्च के साथ शहद का सेवन करते हैं तो यह अतिरिक्त वजन को कम करने में आपके काम आ सकता है। काली मिर्च और शहद के मिश्रण से होने वाले नुकसान। बता दें कि किसी भी चीज की अति सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसा ही कुछ काली मिर्च और शहद के साथ भी है। काली मिर्च और शहद का प्रयोग अगर सीमित मात्रा में किया जाए तो यह बेहद उपयोगी है, मगर काली मिर्च और शहद का उपयोग ज्यादा मात्रा में किया जाए तो यह सेहत को कई तरीकों से नुकसान पहुंचा सकता है। शहद को एक चम्मच से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप एक्सपर्ट से भी इन दोनों की मात्रा का ज्ञान ले सकते हैं। अगर काली मिर्च को ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो यह पेट में जलन पैदा कर सकता है। वहीं इसके ज्यादा उपयोग से त्वचा में खुजली, सूजन, लालिमा आदि पैदा हो सकती है। अगर काली मिर्च गलती से आंखों में चली जाए तो आंखों में भी समस्या पैदा कर सकती है। वहीं शहद से भी त्वचा में खुजली, चकत्ते, पित्ती, खांसी, दमा, सूजन आदि पैदा हो सकती है। शहद का सेवन अगर अधिक मात्रा में किया जाए तो यह पेट की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि काली मिर्च और शहद का सेवन सेहत के लिए कितना उपयोगी है, लेकिन सबसे पहले हमें इसकी सीमित मात्रा का ज्ञान होना जरूरी है। इसकी अधिकता सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। खासकर बच्चों को शहद और काली मिर्च का मिश्रण देने से पहले एक बार एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। वहीं गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी काली मिर्च और शहद का सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर राय लेनी चाहिए। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या कोई स्पेशल डाइट फॉलो कर रहे हैं तो अपनी डाइट में काली मिर्च और शहद को जोड़ने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर करें। धन्यवाद।